हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है यू आर द बेस्ट वाइफ, और ये बुक लिखी है अजय के पांडे ने। सो सबसे लास्ट में हमने देखा था चैप्टर नंबर 37। अब यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 38 की, और इस चैप्टर का नाम है द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न। अब होता क्या है ना, जो अजय होता है उसके दिमाग में ना कुछ ख्याल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रहे होते हैं, और वो ख्याल सिर्फ इतने से होते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं पैसा क्यों कमा रहा हूँ, और तो और जो सच्ची खुशी है ना वो ज़िंदगी में वो कहाँ से मिलेगी, और ये मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, लेकिन मैं पैसा कमाऊँ तो किसके लिए कमाऊँ, और जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, कल को अगर मैं मर गया तो जो मैंने पैसा कमाया उसका क्या होगा, और तो और मुझे समझ नहीं आता मैं इन पैसों का करूँगा भी क्या, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसको ना ये सवाल हमेशा खाए जाते हैं, और वो उसके ना जो उसका इंटरेस्ट था अपनी जॉब से पैसा कमाने से वो सब कुछ उठ चुका था, और उसको इतना तो पता चल ही गया था अपनी ज़िंदगी में कि जो सच्ची खुशी होती है ना वो कभी भी पैसे में नहीं होती, और वो ना अपनी ज़िंदगी में मकसद ढूंढना चाहता था। अब होता क्या है ना, होली के कुछ टाइम बाद वो नोएडा से शिफ्ट हो जाता है इंदिरापुरम, क्योंकि ना जो पुराना उसका घर था उसमें उसको भावना की बहुत ज़्यादा याद आती थी। फिर वो नए घर में शिफ्ट हो गया क्योंकि उसको ये लगता था कि नए घर में जाऊँगा तो फिर थोड़ा सही हो जाएगा, और जो उसके पुराने बर्तन थे ना वो फिर से वापस आ गए, और इस बार वो ना फ्लैट शेयर भी कर रहा था दो रूममेट के साथ, तो इन शॉर्ट ये फिर से बैचलरहुड बन चुका था। और जो अजय की मम्मी थी ना वो भी वापस रिहान नगर में वापस जा चुकी थी, और वो ना अकेला था। जो भी सारे दोस्त थे ना अजय के, वो सब उन सब की शादियां हो चुकी थी, वो उसकी सिंपैथी तो बहुत थी अजय के लिए, लेकिन उनके पास ना टाइम नहीं हुआ करता था, अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। और तो पहले ऐसा होता था ना कि एक छोटी सी भी अचीवमेंट अजय को ना बहुत खुश करती थी, अब ऐसा होता था कि अगर हल्की सी भी चीज़ ख़राब हो जाए तो अजय बहुत ज़्यादा इरीटेट और गुस्से में आ जाता था, और वो ना अजय बस अपनी ज़िंदगी में खुश होने का मकसद ढूंढ रहा था कि वो क्या करे ज़िंदगी में, क्योंकि भाई दूसरों को इंसान वही खुश कर सकता है जो खुद खुश हो, तो उसको ये लगता था ना कि मेरी मोरल ड्यूटी है कि पहले मैं खुद खुश हूँ ताकि मैं दूसरों को भी खुश कर सकूँ। अब एक दिन क्या होता है ना, वो कनॉट प्लेस में गाड़ी चला रहा होता है, तो जो दिल्ली है उसमें वैसी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो रेड सिग्नल होता है आईटीओ की क्रॉसिंग में ना, तो वहाँ पे उसकी गाड़ी रुकी हुई होती है। अब वो देखता है ना कि एक मतलब अधेड़ उम्र का आदमी होगा जो बाइसाइकिल पे होता है, और उसके ना दो बच्चे पीछे बैठे हुए थे, एक बच्चा 5 साल का होगा जो दूसरा होगा वो 2 साल का होगा, और ना बेचारा गरीब बाप होगा वो, उनने ना क्या कर रखा था, रस्सी से अपने दोनों बच्चों को बांध रखा था कि जब वो साइकिल चलाए ना तो वो बच्चे वो गिर ना जाए। अब वो उनकी तरफ देखता है ना तो अजय स्माइल करता है, लेकिन वो बच्चे ना उसको देख के स्माइल नहीं करते। अब अजय क्या करता है ना, अपनी विंडो नीचे करता है ना, उनकी तरफ हाथ हिलाता है ताकि वो उसको देखे। अब जो बड़ा वाला बच्चा होता है ना वो अजय को देख के हाथ हिलाता है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना वो इनएक्टिव रहता है, वो देखता ही नहीं उसको। अब जो ट्रैफिक की लाइट होती है ना वो बताती है कि अभी 72 सेकंड है ग्रीन होने के लिए, तो जो छोटा बच्चा होता है ना वो तो देख ही नहीं रहा होता अजय को, जो बड़ा बच्चा होता है ना वो उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। अब वो चाहता तो है ना अजय कि उसको कुछ पैसे वैसे दे दे, लेकिन उसको ये लगता है ना कि तो इंसल्ट हो जाएगी एक बाप की कि मतलब ऐसी कोई पैसे दे रहा है। अब वो ना अपनी गाड़ी में सर्च करने लगता है कि बच्चों को क्या दे सकता है। जो टाइमर होता है ना वो दिखाता है कि अभी भी 31 सेकंड बचे हैं। अब वो ना अपनी कार का कंपार्टमेंट खोलता है तो देखता है ना वहाँ पे मेंटोस कैंडी रखी होती है। अब वो सोचता है कि मेंटोस कैंडी आई कहाँ से, तब उसको याद आता है कि ये उसको नन्नू ने दी थी उसकी मासी के लिए। वो क्या करता है ना, वो फटाफट वहाँ से निकालता है और ना बच्चों को दे देता है ग्रीन होने से पहले, और वो बच्चों को देता है ना तो उसके बाद फर्स्ट गियर में गाड़ी चलने लगती है। जो छोटा बच्चा होता है ना वो देख के खुश हो जाता है, और तो जो बड़ा बच्चा होता है ना वो भी देख के उसको स्माइल करता है। अब ना अजय भी उनको देख के स्माइल करता है। अजय को ना पहली बार इतने टाइम में ना बड़ा अच्छा सा फील हुआ होता है। लगभग 6 महीने बीत चुके थे सारे इंसिडेंट को, लेकिन 6 महीने के बाद आज वो उसको सच्चे दिल से खुशी हुई थी कि वो कितना खुश था वो। तो ये सब चलता है ना, अजय को पता चल चुका था कि अब ना उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, फाइनली अपनी उसको ज़िंदगी में करना क्या है, क्योंकि अब उसको पता है कि असली खुशी उसी में है जब वो किसी दूसरे को खुश कर सके। और ना अजय की आंखों में से आंसू आ रखे होते हैं, और वो कहता है ना मुझे पता लग गया भावना, मुझे पता लग गया कि सच्ची खुशी किस में है, सच्ची खुशी सिर्फ और सिर्फ दूसरों की मदद करने में है और कुछ भी नहीं। तो उसको ये चीज़ पता चल जाती है। अब जो अगला सीन होता है ना, जो अजय होता है वो क्या करता है, वो बहुत सारे NGO के बारे में सर्च करता है गूगल पे, तो उसको ना कई सारे NGOs के नाम मिलते हैं, जिसमें से एक उसको पता चलता है साईं कृपा के बारे में। और जब उनकी वेबसाइट चेक करता है ना तो उनका एड्रेस होता है नोएडा का, रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी उनका नोएडा का होता है। अब जो ऑर्फनेज होता है ना, अनाथ घर होता है, वो अजय के ऑफिस के बहुत ज़्यादा करीब होता है। अब जब अजय वहाँ पर कॉल मिलाता है ना नंबर पर, तो अजय कहता है हाय मैं अजय बोल रहा हूँ, और मैं ना अपना कुछ टाइम बच्चों को देना चाहता हूँ। तो उधर से जो आवाज़ आती है ना लेडी की, वो कहती है कि आप ना कभी भी आ जाइएगा 4 से 6 के बीच में। अब जो ना साईं कृपा जाता है जब अजय, तो उसको यकीन ही नहीं होता, क्योंकि वो पिछली बार कई हज़ार मतलब सौयों बार इस रोड से आता जाता रहता था, लेकिन उसको कभी भी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ ऐसा है। फिर वो वहाँ जाता है ना, तो वहाँ देखता है कि भाई
जो वर्कर होती है ना उसका नाम होता है सीमा। तो अजय कहता है हाय, तो सीमा कहती है ना हाय, और सर आप बताइए आप क्या डोनेट करना चाहोगे इन बच्चों को। तो अजय कहता है ना एक्चुअली मेरे पास पैसे तो नहीं है देने के लिए, लेकिन हाँ मेरे पास टाइम बहुत है। तो सीमा कहती है ना हाँ सर आप क्यों नहीं, आप अपना टाइम दे सकते हो, आप बच्चों की मदद कर सकते हो उनका होमवर्क फिनिश कराने में या उनको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने में। तो अजय कहता है ना थैंक्स सीमा, लेकिन बच्चे कहाँ हैं। अब वो ना उसको लेके जाती है सीमा अजय को, एक ओपन सा एरिया होता है, एक बड़ा सा नाला होता है ना उसी के बगल में होता है, तो उसी के बगल में गार्डन होता है, गंदी सी स्मेल भी आ रही होती है और काफ़ी गंदा इलाका होता है, पोस्टर वोस्टर लगे होते हैं और शायद पोस्टर इसलिए रखे होंगे ताकि थोड़ी फंडिंग वंडिंग मिल सके। और जब वो वहाँ देखती है ना तो वहाँ पर लगभग 20 बच्चे होते हैं, ठीक है, जो खेल रहे होते हैं, कुछ बच्चे स्मॉल ग्रुप्स में पढ़ भी रहे होते हैं जिनको एक मैम पढ़ा रही होती हैं। और जब वो देखता है ना तो सोचता है कि मैं भी एक ना ऐसी टीचर बनूंगा। तो जो अजय होता है ना वो कहता है सॉरी सीमा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जो ये बच्चे हैं ये सारे अनाथ हैं। तो सीमा कहती है हाँ सारे के सारे अनाथ हैं। फिर जो सीमा होती है वो कहती है देखो जो ये लड़की है ना ये हमें डस्टबिन में मिली थी, ये और जो ये है ना जो दूसरी लड़की नीना, इसका नाम नीना है, इसके पेरेंट्स थे वो कैंसर की वजह से मर गए, सबकी सारे कोई ना कोई स्टोरी है सर यहाँ पे। अब जो अजय की आंखें होती है ना वो भर आती हैं और अजय सिर्फ इतना ही पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों काम करती हो, आपकी क्या स्टोरी है। तो सीमा कहती है ना मैं भी सर इन्हीं में से एक हूँ। अपना ये सुन के तो भाई बिल्कुल उसके होश ही उड़ जाते हैं। जो सीमा होती है ना वो कहती है सूरज नेहा यहाँ पे आओ। अब दो बच्चे ना दौड़ते हुए आते हैं उसके पास और जो सीमा होती है ना सीमा कहती है नमस्ते बोलो। तो वो कहते हैं नमस्ते अंकल नमस्ते भैया। अब ना अजय बड़ा खुश होता है तो अजय कहता है नमस्ते बच्चों मैं ना आप तुम्हारा नया टीचर हूँ आपसे। तो सीमा कहती है ना अजय भैया ना आप लोगों को मदद करेंगे इंग्लिश का होमवर्क कराने में। अब जो अजय होता है ना वो मन में सोचता है बेचारे बच्चे कितना ख़राब टीचर मिला है इन्हें। तो जो सीमा होती है ना वो कहती है चलो अपना बैग खोलो और अपना होमवर्क करो आज का। तो जो दोनों बच्चे होते हैं ना वो अपनी अपनी किताबें निकालना शुरू करते हैं। जो सूरज होता है ना वो थोड़ा गुस्से में भी होता है क्योंकि भाई बाकी बच्चे खेल रहे हैं वो यहाँ पर बैठ के पढ़ेगा ना तो उसको अच्छा भी नहीं लगता, तो ये चीज़ ना उसको थोड़ी गुस्सा भी करती है। तो सूरज कहता है ना भैया आप क्या हर दिन आओगे। तो जो नेहा होती है ना वो कहती है सूरज मैं तुम्हारी ना मम्मी से कंप्लेन करूँगी ऐसे सवाल पूछोगे तो। तो अजय कहता है मम्मी, मतलब उसको ना मन में ख्याल आता है कि ये अनाथ बच्चों की मम्मी कैसे हो सकती है। तो सूरज कहता है ना कि राजगोपाल मम्मी। तो अजय कहता है अच्छा नेहा तुम उसको सवाल पूछने से मत रोको। तो अजय कहता है सूरज ये बताओ क्या तुम उनके साथ खेलना चाहोगे। तो सूरज कहता है ना नहीं भैया मैं बस इसलिए पूछा था ना क्योंकि लोग स्टार्टिंग में तो आते हैं कुछ हफ्ते फिर उसके बाद ना फिर वो आते ही नहीं है, मैं बस इसलिए पूछा था। तो वो कन्फ्यूज कहता है ना कि मैं कन्फ्यूज था भैया कि मैं कौन सी किताब खोलूँ। अब ना ये सुन के तो ना एक थप्पड़ सा आता अजय के मुँह पे ना कि मतलब बच्चे ने ऐसा सवाल का। तो अजय को पता चल चुका था कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो अजय कहता है ना डोंट वरी सूरज मैं ना अगले सप्ते से आऊँगा। तो सूरज कहता है ओके भैया। अब जो अजय होता है ना वो कहता है नेहा सूरज तुम ना एक काम करो तुम जाके बच्चों के साथ खेलो मैं ना अगले सप्ते से आना शुरू करता हूँ। अब जो नेहा और सूरज होते हैं ना दोनों कहते हैं थैंक्स भैया और ना चले जाते हैं। अब वो सीधा सीमा के पास जाता है क्योंकि उसके ना कई सारे डाउट्स थे जो उसको सीमा से क्लियर करने थे। अब जब जाता है ना अजय सीमा के पास तो कहता है सीमा तुमने तो कहा था ये ना बहुत स्पेशल बच्चे हैं लेकिन मैंने सुना कि वो मम्मी कुछ कह रहे थे। तो सीमा कहती है ना हाँ जो यहाँ का सारा काम झाम देखती है ना वो राजगोपाल मम्मी है। तो अजय कहता है क्या सब उनको मम्मी बुलाते हैं। तो सीमा कहती है ना हाँ सब इंक्लूडिंग मी सारा स्टाफ सब उनको मम्मी बुलाता है और तो और ना वो हम सब के लिए एक माँ की तरह ही है। तो अजय कहता है ना और उनकी खुद की फैमिली का क्या, आई मीन मतलब उनके खुद के बच्चे या पति नहीं है क्या। तो जो अजय सीमा है ना वो कहती है उनकी ना उनकी जो उम्र है वो 50 साल से ज़्यादा है लेकिन वो आज भी सिंगल है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन बच्चों को दे दी है। तो अजय कहता है ना मतलब उनके खुद के कोई बच्चे नहीं है लेकिन तब भी आज देखो वो 60 बच्चों की माँ है। तो जो सीमा होती है ना वो कहती है क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे। तो अजय कहता है ना कि नहीं आज नहीं अगले वीकेंड आऊँगा ना तब पक्का मिलूंगा। तो सीमा कहती है ना अच्छा तो तुम मतलब हर वीकेंड आओगे ना, उसको स्माइल करते हुए स्माइल करके कहती है। तो जो अजय होता है ना वो कहता है मे बी। तो सीमा होती है ना वो कहती है सॉरी मैं तुमसे चीज़ ना पूछना चाहती हूँ कि मतलब तुम अपना टाइम क्यों देना चाहते हो। तो जो अजय होता है ना वो कहता है जैसे सबकी यहाँ स्टोरी है ना मेरी भी स्टोरी है और वो मैं तुम्हें किसी दिन सुनाऊँगा। अब अजय क्या कहता है ना अपनी कार की तरफ जाता है इंद्रपुरम की तरफ और ना बिल्कुल साइलेंट होता है, उसके दिमाग में ना बिल्कुल मतलब सुन्न होता है उसका दिमाग और वो ना उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है फिर कि मतलब मेरी बीवी चली गई ना तो मैं कितना दुखी था लेकिन ये बच्चों का तो सब कुछ खो गया लेकिन तब भी ये कितने खुश थे, ठीक है अगर वो खुश हो सकते हैं तो मैं खुश क्यों नहीं हो सकता। और उन्होंने कैसे अपनी मतलब पूरी लाइफ उनको डेडिकेट कर दी, ठीक है उन बच्चों को, और ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, मैं कितना इडियट था यार कि मैं मतलब सब कुछ खोना चाहता था। अब ना अजय के दिमाग में एक चीज़ आता है, वो ना भावना से बात करना शुरू करता है क्योंकि उसको ये लगता है ना कि भावना हर जगह है। तो वो कहता है ना भावना देखो आज ना मैंने पता चल गया कि ठीक है ये असली मंदिर कौन सा है और मुझे पता है ना जो ये भगवान का घर है
ये तुम्हारे वाले भगवान के घर से ज़्यादा अच्छा है। और मैं ना स्टोरी लिखूँगा जो भी मैं सीखूँगा, और मैं अपना टाइम इसी मंदिर में डिवोट करूँगा। और मैं ना एक ऐसा टेम्पल खुद भी बनाऊँगा ह्यूमैनिटी के लिए। और जो मेरा प्यार है ना बच्चों के लिए, वो ज़्यादा कहीं ज़्यादा गुना ज़्यादा है जितना मैं भगवान से नफरत नहीं करता। अब चीज़ों को सही तरीके से शुरू करते हैं और सही रीज़न के लिए, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में, एंड इसके बाद शुरू होता है नेक्स्ट चैप्टर। अब यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 39 की, और इस चैप्टर का नाम है आई कैन फॉरगिव बट विल नेवर सरेंडर। अब जो अजय होता है ना, उसको एक स्टोरी मिलती है फेसबुक पे। उसमें क्या होता है, जो टाइग्रेस होती है ना, उसको वो जो छोटा सा बच्चा उसका पैदा होता है, वो मर जाता है पैदा होते ही। जिसकी वजह से जो टाइग्रेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आती है। उसकी जो हेल्थ होती है ना, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो बहुत चिंतित होते हैं कि भाई वैसे ही टाइगर एक रेयर स्पीसीज़ है, और उसको कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो क्या करते हैं ना, वो लोग प्लान बनाते हैं डॉक्टर्स, कि टाइगर को ना, जो टाइग्रेस होती है फीमेल वाली, उसको ना एक सुअर का बच्चा देते हैं, और उस सुअर के बच्चे पे ना सारे जैसे टाइगर के पैटर्न्स होते हैं ना, सेम वैसे ही करके उसके पास छोड़ देते हैं। अब हल्के हल्के ना जो टाइग्रेस होती है, उसको ये लगता है कि ये तो मेरा ही बच्चा, उसको पालना शुरू करती है, उसकी हेल्थ भी अच्छी होना शुरू हो जाती है। अब इससे पता चलता है ना कि हम सबके पास फीलिंग्स हैं। अब जो अजय होता है ना, उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो अपनी कहानी खुद लिखेगा, ठीक है। जो कहानी हम लोगों ने सुनी वो वही कहानी है, और उसको ना पता चल चुका था कि भाई वो उसको ज़िंदगी में खुश रहना पड़ेगा। हम सबकी ज़िंदगी में खुश है, खुशी है, दुखी है, लेकिन मैं इतना भी मतलब अनफॉर्चुनेट पर्सन नहीं हूँ इस दुनिया में, मुझसे भी कहीं ज़्यादा लोग अनफॉर्चुनेट हैं। और ना फिर वो याद करता है भावना के साथ के वक्त जो उसने बिताए थे, और ना वो वही सब चीज़ें लिखना शुरू करता है। वो लिखते लिखते हंसता है, रोता है, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी भावना को याद कर रहा होता है, अपनी प्यारी भावना को। और ना उसको लगता है कि शायद ये किस्मत की बात होगी, सबके अपनी अपनी किस्मत होती है, ठीक है। और लेकिन उसने भले ही अपनी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत पर्सन खो दिया हो, लेकिन उसने 9 साल अपनी बीवी के साथ बिताए थे, जो कि उसकी मतलब उसके लिए ना वो 90 सेंचुरीज़ के बराबर थे, 9 सेंचुरीज़ थी उसके लिए वो, ठीक है। तो अब वो यही सब सोच रहा होता है ना, उसको पता था कि अब उसको ज़िंदगी को एक पॉजिटिव स्टेप से चलना पड़ेगा। और जो उसके भगवान के प्रति उसका गुस्सा और वो था ना डिसरिस्पेक्ट, वो बढ़ता ही जा रहा था। अब होता है क्या है ना, जो भावना की मम्मी होती है, उनका बर्थडे आ रहा होता है, ठीक है, 14th of September को। तो अजय प्लान करता है कि भाई जैसे भावना ने कहा था कि मेरी मम्मी को गिफ्ट देना एक मतलब परंपरा सी बन जाएगी अब, तो वही उसी को फॉलो करता है। वो क्या करता है ना, एक साड़ी खरीदता है और उनको ना गिफ्ट कर देता है। उसको ना बहुत दुख भी हो रहा होता है इस चीज़ का कि हर साल भावना भेजा करती थी अपनी मम्मी को गिफ्ट, इस बार मैं अकेला भेज रहा हूँ। और वो ना साड़ी को कोरियर कर देता है रायपुर के लिए। उसके साथ एक चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी में अजय क्या लिखता है, चिट्ठी में लिखता है ना कि हाय मम्मी, ठीक है, मैं यहाँ आपको हग और किसेस देने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो एजेंट है ना दिल्ली में, वो ये टास्क एकम्प्लिश करेगा, और वो ना आपको गिफ्ट भेज रहा है, और वो ऐसी गिफ्ट ना आपको हर ओकेजन पे भेजता रहेगा। लेकिन मम्मी ना, मैं यहाँ से ऊपर से देखती हूँ तो मुझे बस एक ही चीज़ दिखाई देती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रोते रहते हो, और ना ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। आपको पता है मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं यहाँ पे सबसे छोटी हूँ और सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ ना, इसलिए सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, और मैं बस एक चीज़ आपसे ना रिटर्न गिफ्ट चाहती हूँ, ठीक है। मुझे पता है आप लोग मना नहीं करोगे, आप लोग मुझे ज़रूर दोगे। और फिर वो लिखा होता है ना चिट्ठी में कि देखो, दो तरीके की ना पर्सनैलिटीज़ होती हैं। सबसे पहली पर्सनालिटी वो होती है जो जिनके पास कुछ नहीं होता, मतलब सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी ना हर चीज़ के लिए कंप्लेन करते रहते हैं। और दूसरी पर्सनालिटी वो जो सब कुछ खो चुके होते हैं लेकिन वो फिर भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनके पास सब कुछ है ज़िंदगी में। मुझे पता है आप लोग सेकंड कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को ऐसे इन्जॉय करो ना ताकि दूसरे लोग आपको देख के जेलस हो जाएं, और उनको ना शौक दे दो कि आप लोग इतने अलाइव और इतने अच्छे कैसे हो, इंस्पायर कैसे हो। और विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मम्मी। आप ना ये साड़ी को ज़रूर पहनना अगर पांडे जी ने साड़ी को टाइम पे आपको डिलीवर कर दिया हो तो। योर लविंग डॉटर भावना। अब ये ना वो चिट्ठी लिखी होती है, अजय ने ही लिखी है ये, लेकिन बस उस पर भावना का नाम रखे, भावना की फीलिंग्स एक तरीके से डिस्क्राइब करी थी। अब बात होती है ना 13 सितंबर की, ठीक है, बर्थडे से एक दिन पहले की बात है। भावना की मम्मी का कॉल आता है अजय को, तो अजय कहता है ना हेलो मम्मी, तो उसकी मम्मी कहती है ना थैंक्स बेटा, मुझे ना तुम्हारा कुरियर मिला एंड थैंक्स फॉर द साड़ी। तो अजय कहता है ना ओ सॉरी मम्मी, माय गिफ्ट हैड, इतना ही बोल ही रहा होता है, उसकी मम्मी ने उसको बीच में रोक देती है। वो कहती, मम्मी कहती है ना कि नो नीड बेटा, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है मेरे बेटे, अब मुझे ना मुझे तो बड़ी खुशी है कि मेरे को उस जैसी लड़की मिली। अब जो अजय होता है ना वो कहता है मुझे पता है मम्मी। मम्मी कहती है ना देखो बेटा, एक माता पिता के लिए ना सबसे सबसे ख़राब बात ये होती है जब उसका बच्चा बीच में उसको छोड़ के चले जाए, और ना बड़ी हेल्पलेस सी बात थी, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत टफ टाइम था, ठीक है, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो इस चीज़ से बहुत खुश थी कि मेरे को ना 2 बेटियाँ मिली हैं, ठीक है, जिनको हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया, उनकी बहुत केयर करी, और उनको ना एक लड़के जैसा करा, हमने ट्रीट करा, लेकिन आज मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी लड़कियां थी ना वो लड़के जैसी थी। फिर उसकी मम्मी ना थोड़ा रोती भी है, फिर बोलती हैं कि देखो क्या हो गया। ठीक है, वो हमें सबको एक जर्नी की बीच में छोड़ के चली गई, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है ना कि मेरा तो एक लड़का भी है, वो अजय के लिए कह रही होती है। अब ये देख के तो ना अजय की आंखों में से भी आंसू आ रहे होते हैं बहुत, मतलब वो बिल्कुल रोने ऐसी हालत हो चुकी है, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही होती। वो बोले तो बोले क्या, तो ना अजय को पता है मम्मी के सामने रोएगा तो सही नहीं है। तो अजय क्या कहता है ना, मम्मी मेरे को ना ऑफिस से कॉल आ रही है, मैं आपको बस थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अब ये कह के ना वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, वो वॉशरूम में जाता है, पानी चलाता है, खूब ना रोता है वहाँ पे, और ना बिल्कुल अपने आप को प्रॉपर करता है ताकि उसकी मतलब भावना की मम्मी को पता ना चले कि एक्चुअली मैं रो के आया था। अब जो अजय होता है ना वो कहता है हेलो मम्मी, तो मम्मी कहती है ना ये ऑफिशियल वाला ड्रामा ओवर हो गया, तो अजय कहता है हाँ। तो मम्मी कहती है ना तुम बहुत झूठे हो यार, तुम ना अपने प्लीज़ जो अपने आंसू है ना उनको रोका मत करा करो, क्योंकि तुम ना बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम रो, ठीक है, और ना भावना चाहती थी कि हम सब रो। तो अजय होता है ना वो कहता है आई एम हैप्पी ना, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी अब दो दो माँ हैं। तो वो मम्मी हो ना उधर से कहती है कि तुम ना बहुत ज़्यादा खुश हो, एंड तुम खुश तो हो ना, अब तुम ये एंगर को और कैरी फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि जब आप गुस्सा लेके चलते हो ना तो आप पे ना बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो जो अजय होता है ना वो कहता है मैं तो पहले ही सबको माफ़ कर दिया, उस कीड़े को, उस मच्छर को जिसने उसको काटा, ठीक है, डॉक्टर्स को, अपनी किस्मत को, सबको माफ़ कर दिया मैंने, खुद को भी माफ़ कर दिया मैंने। तो जो मम्मी होती है ना वो कहती है तुमने सबको तो माफ़ कर दिया, क्या तुमने भगवान को माफ़ करा? तो अजय कहता है ना मैं भगवान को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, और उनके लिए तो कभी मेरे दिल में रिस्पेक्ट होगी ही नहीं। तो उसकी मम्मी होती है कहती है देखो बेटा, जो फॉगिवनेस है ना वो एक एट्रीब्यूट है स्ट्रांग पर्सन का, तुम भगवान को माफ़ कर दो, क्योंकि होता है कई बार हो जाता है कि हम जो ह्यूमंस है ना वो सुपीरियर समझते हैं अपने आप को भगवान से। अब जो अजय होता है ना वो कहता है नहीं, मेरे लिए भगवान ना कुछ भी नहीं है मम्मी। तो जो मम्मी होती है ना वो कहती है देखो दूसरों को माफ़ करना ना इस ये अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो डिज़र्व करते हैं फॉरगिवनेस, लेकिन हमें दूसरों को इसलिए माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि हम पीस डिज़र्व करते हैं। जो उसकी मम्मी होती है, अजय होता है ना, वो कहता है नहीं मम्मी, भगवान ने मेरी ज़िंदगी से सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट छीन लिया। तो मम्मी कहती है ना ठीक है, वो भगवान इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी से सबसे ब्यूटीफुल पर्सन को ले लिया, लेकिन भगवान ही तो वो पर्सन थे जो तुम्हारी ज़िंदगी में वो लेके आए थे, ठीक है, तो उनको माफ़ कर दो, ठीक है, और लाइफ ऐसी है, लाइफ तुम्हें सब कुछ देती है, तो प्लीज़ माफ़ कर दो, इस बारे में दोबारा से सोचना। अब जो अजय होता है ना वो कहता है कोशिश करूँगा मम्मी। अब जो मम्मी होती है ना वो कहती है मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अब लगभग एक साल हो चुका है, तुम्हें ना अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी और तुम्हें ना दूसरी शादी कर लो। अब जो अजय होता है ना वो कहता है लोग ना हंसेंगे मम्मी जब उनको पता चलेगा कि उनकी सासू माँ अपने दामाद को कह रही है कि दूसरी शादी कर लो। तो जो मम्मी होती है ना वो कहती है मैं तुम्हारी वो नहीं हूँ, मदर इन लॉ नहीं हूँ, ठीक है, और जो मदर इन लॉ का बॉन्ड होता है ना वो वैसा नहीं होता। तो अजय कहता है ना आपको पता है आजकल ना हर कोई यही बात कर रहा है। तो मम्मी कहती है ना क्योंकि सारे लोग ना तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तो जो अजय होता है ना वो कहता है मुझे पता है, लेकिन ना आज के लिए ज्ञान काफ़ी हो गया। तो मम्मी कहती है ना ओके बाय सन। तो अजय कहता है ना बाय मम्मी, और वो ना कॉल रख देते हैं। अब कॉल के बाद ना अजय बहुत ज़्यादा रोता है, अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है, कर्टन्स को गिरा देता है ना, बरसात हो रही होती है, 9XM पे म्यूज़िक लगाता है, खूब वॉल्यूम तेज कर देता है, और ना बहुत ज़्यादा रो रहा होता है ताकि कोई उसका ध्यान ना दे, तब वॉल्यूम तेज कर देता है टीवी की। और ना उसकी ज़िंदगी में मतलब अपने आप से वो कुछ सवाल पूछ रहा होता है वो बार बार कि मतलब अब जो अजय होता है ना उसके दिमाग में यही सवाल आ रहे होते हैं कि जो भगवान है ना उसने मतलब मुझे कितना अच्छा पार्टनर दिया था, कितने ब्यूटीफुल मोमेंट्स हम लोगों ने एक साथ बिताए थे। मैं तो ये सोचता हूँ जो बेचारे साई कृपा के बच्चे थे अनाथ, जिनकी कोई भी मम्मी नहीं है, वो कैसे जीते होंगे। मेरे पास तो दो दो माँ हैं, और जो भावना थी उसने मेरे साथ 9 साल बिताए, 9.5 साल, और कितनी खुश थी यार वो। अब ना यही सब सोच रहा होता है। अब ना भावना के सेलफोन पर एक मैसेज आता है, ठीक है, उस मैसेज में लिखा होता है ना भगवान आप ना मेरा गुस्सा डिज़र्व नहीं करते हो, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, इसलिए क्योंकि आप ना मेरा गुस्सा डिज़र्व ही नहीं करते हो, ठीक है, और तो और लेकिन आप कभी भी ना मेरी रिस्पेक्ट नहीं ले पाओगे, ठीक है, कोई थैंक्स नहीं है। अब दोनों साइड ना बैलेंस हो गई, अब ना उसको थोड़ा रिलैक्स भी लगता है, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। वो क्या करता है ना भावना का फ़ोन उठाता है, तो देखता है ना उस पर सोनल का मैसेज आया हुआ होता है, जो कि भावना की CSC जो वहाँ वो काम करती थी उसकी दोस्त थी। उसने मैसेज में लिखा होता है ना इट्स क्रेजी भावना, मैं तुम्हारे मैसेजों को बहुत याद करती हूँ, और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ ना मैं हमारी को बातों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जो हम बच्चों की बातें किया करते थे, ठीक है, मिस यू यार।
अब जो बेबी वर्ड होता है ना, बच्चों वाली बात, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। अब जो अजय होता है वो क्या करता है ना, अपनी कवर्ड को खोलता है, जो भावना की शॉल होती है ना उसको निकालता है, गद्दे पे बिछाता है, और ना अब आज भी भावना की शॉल उसी की उसको याद दिलाती है। वो अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है शॉल से, और ना पिलो को हक करके ना बहुत ज़ोर ज़ोर के रोने लगता है। और ना एक अंदर से उसके आत्मा से आवाज़ आती है कि अजय तुम कभी भी ना सरेंडर नहीं कर सकते। जो अजय होता है ना वो भी कहता है मैं कभी सरेंडर नहीं करूँगा। और ना उसके दिमाग में वही पे एक पुराना सा ख्याल वापस आ जाता है जब भावना ने कहा होता है ना कि मैं रहूँ या ना रहूँ, अगर तुम अपनी ज़िंदगी से इंटरेस्ट खोना शुरू कर दो ना तो दूसरों के लिए जीना शुरू करना। अब उसको दिमाग में वही ख्याल आता है कि भावना मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूँगा, मैं कभी सरेंडर नहीं करूँगा, मैं फ़ाइट करूँगा, लास्ट ब्रेथ तक फ़ाइट करूँगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी भावना के लिए। अब वो ना भगवान से बात करना शुरू करता है। वो कहता है ना भगवान एक आखिरी मैं आपसे फेवर मांगता हूँ, ठीक है, बस आप ये मुझे ग्रांट कर देना तो आप ना दोबारा से मेरी रिस्पेक्ट ले लोगे। कभी मेरी ज़िंदगी में दोबारा से शादी होगी ना तो पहला बच्चा जो होगा वो मुझे बेबी देना, ठीक है, और वो डॉटर होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, वो जिसकी ब्यूटीफुल आँखें हों, डिम्पल्स वाले चीक्स हों, कलर्ड हेयर हों, ठीक है, और भावना की आत्मा हो। और वो ना बच्चों की तरह नेगोशिएट कर रहा होता है भगवान से, और कहता है ना चलो ठीक है, आप अगर ये सब कुछ ना भी दे सको ना तो बस मुझे भावना की आत्मा उस बच्ची में ना वापस दे देना, ठीक है, प्लीज़ भगवान मुझे वापस कर देना, मैं कभी सरेंडर नहीं करूँगा। अब जो अजय का दिमाग होता है ना वो सोचता है कि भाई मिस्टर पांडे ये बताओ तुम पहचानोगे कैसे कि वो भावना की आत्मा है उस बच्ची में या नहीं है। अब ना उसको वही बात एक उसकी याद आ जाती है भावना की, जब भावना ये कहा करती थी कि भाई मैं ना उसको अपनी गोदी में बिठा लूँगी, ठीक है, उसको डॉल की तरह ना प्यार करूँगी। अब वही चीज़ उसको याद आती है और रो रहा होता है। तो अजय कहता है ना भगवान मैं पहचान लूँगा, मैं अपनी भावना को पहचान लूँगा, जब मैं उसको बिठा लूँगा ना अपनी गोदी में, तो वो जब मैं उसको कहूँगा आई लव यू माई डॉटर, तो वो स्माइल करते हुए कहेगी ना आई लव यू टू एंड यू आर द बेस्ट फादर, वो मुझसे ये कहेगी, ठीक है। तो लास्ट में लिखा हुआ है कि भावना प्रधान 8 नवंबर 1983 को जन्म हुआ था उनका, एंड वो भावना पांडे बनी इन लोगों की जब शादी हुई थी तो 4 जुलाई 2010 को शादी हुई थी, एंड ऑलवेज लिव इन आर हार्ट, हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी, वो लव यू भावना एंड यू आर द बेस्ट वाइफ। तो इस नोट पे होती है हमारी वीडियो ख़त्म, एंड इसके बाद ये नोवेल हो चुकी है यहाँ पे ख़त्म, एंड आई होप सो ये आपको नोवेल काफ़ी अच्छी लगी हो। सो मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि नोवेल का कौन सा पार्ट या फिर क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एंड ओवरऑल कैसी आपको ये नोवेल लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।